जी, अभी हम बाल गंगा के में एक छोटा सा पार्क में आए हैं और इस पार्क से अब चलते हैं क्योंकि यहाँ का नज़ारा तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है। घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छा जगह है। एक इधर से जीना गया है ऊपर, चलिए आ जाए हैं तो थोड़ा घूम फिर लेते हैं। आप वैष्णो देवी की यात्रा पे आइए तो इस जगह पे भाई बंदर है, डर भी लग रहा है। नहीं जाएंगे भाई, डर लग रहा है मेरे को अकेले। मैं सोच रहा था और उधर जाएंगे लेकिन बंदर को देख के भाई हालत खराब हो गई। अकेला हूँ पार्क में, इस समय कोई भी नहीं है। अभी मेरे सर के ऊपर ही 5-6 बंदर बैठे हुए थे, देख रहे। इधर भी है काफ़ी सारे बंदर, ऐसे नुकसान नहीं पुगाते हैं लेकिन फिर भी अकेला हूँ, इस समय कोई है नहीं, इसलिए थोड़ा डर लग गया है, इसलिए आपस जा रहे हैं। फिलहाल इस बाल गंगा का हालत देख लीजिए, पानी बिल्कुल ना है, सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए और इस में पानी का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहीं पे नहाने के बाद माता रानी के दर्शन के लिए रवाना होते हैं। इसमें देखिए बाल बाल ही आपको दिखाई देंगे, बाल गंगा इसी कहा जाता है क्योंकि यहाँ मुंडन भी होता है, जो मनौती किए रहता है वो यहीं पे उनको बाल चढ़ाना होता है। ये देखिए पानी बिल्कुल कम है, मेरे ख्याल से पानी कहीं डाइवर्ट किया गया है, पानी इतना कम आ रहा है। ओ हो 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 हो, बाल गंगा का नज़ारा। इसमें पानी एक समय था कि भर भर के आता था, पब्लिक एंजॉय करके नहाते थे। इस समय देखिए उधर नल पे नहाते हैं, नहाने के बाद माता रानी के दर्शन के लिए रवाना होते हैं। कोई सामान वगैरह है तो कटरा में रख दीजिए, लॉकर वोकर में या जमा कर दीजिए क्योंकि यहाँ आने के बाद यहाँ भी जगह है बैग वगैरह जमा करने के लिए, लेकिन यहाँ तक ढोके लाने की ज़रूरी नहीं है। आप जो माता रानी के दर्शन के लिए पहनेंगे नहा के, एक वो कपड़ा रख लीजिए और एक कपड़ा यहाँ पे नहा के बदलना पड़ता है, एक कपड़ा वो रख लीजिए, एक कपड़ा पहन लीजिए या दो कपड़ा नया रख लीजिए, जो भी आपको पहनना है, दो कपड़ा की जो आवश्यकता पड़ता है। फिलहाल यही सब है। कैसा लगा हमारा ब्लॉग? चलिए धन्यवाद।